उज्जैन क्षीर सागर से तिरंगा अभियान यात्रा निकल पड़ी है और यहाँ पर जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्कूली बच्चे से लेकर कॉलेज के छात्र छात्राएं, स्टूडेंट से लेकर सभी वर्ग यहाँ पर दलगत राजनीति से उठकर, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या सभी दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं से लेकर सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर इस तिरंगा अभियान में शामिल है। मैं आपको बता दूँ कि नगर निगम की अपील पर और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में तिरंगा अभियान यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें हम बात करेंगे नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक से कि किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की रैली की तैयारी की गई है। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में बड़ा उत्साह है और अभी हम क्षीर सागर स्टेडियम में हैं और मेरी जो टीम ने अभी रिपोर्ट किया है कि हमारा जो रैली का अग्रिम भाग है वो चामुंडा माता के आगे निकल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है और निश्चित तौर पर चूंकि स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, माने भारत माता की, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया है और आज का ये कार्यक्रम क्षीर सागर से शुरू होकर हमारा शहीद पार्क तक जाना है जिसमें 2.2 किलोमीटर की दूरी है हमारी। और अभी जो मैंने आपको जैसा बताया कि जो अग्रिम भाग है वो लगभग गंतव्य के पास पहुंच गया और अभी भी काफी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। तो मुख्य समारोह बाकी है 15 अगस्त का। 15 अगस्त भी बहुत, आपको मालूम है कि उज्जैन जो है वो सामुदायिक चेतना का शहर है और यहाँ के लोग आह्वान पर बहुत अच्छे तरीके से हर कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं। निश्चित तौर पर ये सब चीजें एक जीवंत, हमारी जीवंतता को भी प्रदर्शित करते हैं और स्वतंत्रता और तिरंगा के प्रति जो हमारा स्वाभिमान है और जो हमारा सम्मान है उसको भी प्रदर्शित करता है। आपके एक छोटे से आह्वान पर कितने छात्र छात्राएं हैं, सब रोमांचित दिखाई दे रहे हैं? बहुत अच्छा, पूरे शहर का अच्छा प्रतिसाद मिला है और मुझे लगता है सारे कॉलेजेस के, स्कूल के, समाजों के प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु, हमारे पुलिस के जो जवान हैं, NCC के जवान हैं, हमारे जो खेल संगठन है, वो सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और निश्चित तौर पे यह किसी एक व्यक्ति का आयोजन ना होकर स्वतंत्रता के प्रति एक जो सम्मान प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा भाव है जो माने प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और माने मुख्यमंत्री जी ने जो के जो निर्देश हैं उनके अनुक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। आप देख सकते हैं कि तिरंगे के प्रति जो सभी का सम्मान है, जो एक रोमांच है, वो आप देख सकते हैं कि बरकरार है और ये उज्जैन क्षीर सागर स्टेडियम है और यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्कूली बच्चों से लगा के जितने भी यहाँ पर वर्ग हैं और संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, व्यापारी गण है और कांग्रेस भाजपा से लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता हैं और आप देख सकते हैं कि हाथ में झंडे लिए अपने स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं के बैनर लेकर बच्चे चल रहे हैं और ये क्षीर सागर का स्टेडियम है। लेकिन जो एक पहला सिरा है वो चामुंडा चौराहा के आगे फ्रीगंज ब्रिज तक पहुंच गया है और लगातार यह कारवां बढ़ता जा रहा है जो कि शहीद पार्क तक पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिस प्रकार देश भर में तिरंगा अभियान चल रहा है उसी श्रृंखला में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में भी तिरंगा अभियान जिला प्रशासन के माध्यम के आह्वान पर किया जा रहा है और क्षीर सागर स्टेडियम है और यहाँ से यह तिरंगा अभियान लगातार सतत चल रहा है और एक कारवां जो है फ्रीगंज ब्रिज की तरफ बढ़ गया है। हम उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से बात करेंगे कि तिरंगा अभियान में क्या तैयारी है और क्या उद्देश्य और क्या संदेश दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, स्वतंत्रता दिवस को और लोगों के करीब पहुंचाने के लिए और तिरंगे के सम्मान में ये तिरंगा यात्राएं पूरे प्रदेश में निकाली जा रही हैं, जिसमें आज उज्जैन में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें उज्जैन के सभी शैक्षणिक संस्थानों का, सभी कॉलेजेस का, विभिन्न सामाजिक संगठनों का, ऑटो चालकों का, इसके अलावा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ का सहयोग रहा है। ये सभी साथ मिलकर के ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि तिरंगा हमें सबसे प्यारा है और झंडा हमेशा ऊंचा रहे हमारा। आपके कार्यकाल में देखा गया है कि लगातार लोग रोमांचित हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे आए, अभी तो स्वतंत्रता दिवस का कल प्रोग्राम बाकी है। कल स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है जो कि शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार पूरी गरिमा में पूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और आज का जो आयोजन है वो लोगों में संदेश देने के लिए है कि वो सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी सहभागिता करते हुए देश की अखंडता और देश की स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का संकल्प रखें। तो आप देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह बता रहे हैं कि यह जो तिरंगा अभियान है यह लगातार जो है एक संदेश देने के लिए निकाला गया है और अभी जो स्वतंत्रता दिवस का पूरा कार्यक्रम बाकी है उसके तहत भी वहाँ पर जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्रोग्राम किया जाएगा। हमारे साथ उज्जैन SP प्रदीप शर्मा जी उनसे बात करेंगे कि तिरंगा अभियान में क्या सहभागिता है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है और पुलिस मुख्यालय के निर्देश है,
इस साल सभी 52 जिलों में पुलिस बैंड का गठन किया गया था। उज्जैन के पुलिस बैंड ने, पूरे प्रदेश के पुलिस बैंड ने उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में ही अपनी अंतिम परीक्षा एक तरह से दी। हमारा पुलिस बैंड इस तिरंगा यात्रा में, हमारा एक प्लाटून इस तिरंगा यात्रा में है। हमारे सभी जो पुलिस लाइन के बच्चे हैं वो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कल भी परेड रिहर्सल के बाद पुलिस जो परेड मैदान है वहाँ से सभी प्लाटूनों ने, जिसमें एनसीसी, स्काउट, गाइड, शौर्य दल सभी शामिल हैं, सभी ने पूरे शहर में एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। हमारा पूरा प्रयास है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसको केवल एक दिन के लिए नहीं, पूरे त्यौहार की तरह, एक पूरे अवसर की तरह सेलिब्रेट किया जाए, वो पूरा प्रयास रहता है। जी, तो ये थे उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिस प्रकार से तिरंगा अभियान शुरू हुआ है, उसी तरह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में भी तिरंगा अभियान को जोर शोर से किया जा रहा है। और अभी जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है उसका एक जागरूकता रैली आज निकाली गई है, जो लगातार यहाँ से कारवां बढ़ता जा रहा है और शहीद पार्क पर इसका कार्यक्रम समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया गया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में भी आज तिरंगा जागरूकता अभियान रैली निकली। हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज है, रैली में शामिल हुए, साथ ही साथ उनसे हम पूछेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा संकल्प उनके मन में आया कि हर घर तिरंगा। हमने आज से 30-40 साल पहले ये देखा है कि स्कूलों में, कॉलेजों में और सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराया जाता था और देश की आधी से ज़्यादा आबादी तिरंगे का दर्शन नहीं कर पाती थी। लेकिन माननीय मोदी जी की ऊंची सोच, उनका ऊंचा विचार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का, उनके साथ में ये जो भाव है कि हर घर तिरंगा जाना चाहिए, तो पिछले 3 दिन से घर घर तिरंगा दिया गया और वो तिरंगा भेंट करके उनको ये कहा गया कि आप अपने घर पर इस तिरंगे को लगाएं। तिरंगा, जिस तिरंगे के लिए लाखों की तादाद में हमारे भारत के लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहीदी आज हमको याद आती है कि इस तिरंगे की जब ध्वजा लहराती है तो पूरे देश में खुशहाली और अमन और चैन आता है। आज के इस तिरंगा दिवस पर, माननीय मोदी जी के संकल्प दिवस पर, माननीय मोहन यादव जी के इस संकल्प पर हम बहुत सारा धन्यवाद देते हैं और शहर के समस्त संगठन, नगर पालिका निगम, पूरे महा जो हमारे पार्षदगण हैं, विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, अधिकारी गण हैं, सब मिलकर के हम सब ने तिरंगा यात्रा निकाली और पूरा महाकाल भगवान का शहर जो है वो सब तिरंगामय हुआ। सब लोगों का मन प्रसन्न है और हम सब लोग प्रसन्नता के साथ शहीदों को प्रणाम करते हैं और इस तिरंगा जो हमारे भारत की आन बान शान है ये निरंतर बनी रहे और भारत के साथ साथ इसकी छटा पूरे विश्व में पहुँचे, ऐसी हमारी भावना है। तो ये थे राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज। और जिस प्रकार से महाकाल की नगरी उज्जैन है वहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ हो चुका है। हमारे साथ महापौर मुकेश अटवाल जी, उनसे पूछेंगे कि वे इस आज रैली में शामिल हुए हैं, कल स्वतंत्रता दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे। जय श्री महाकाल। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर आज उज्जैन नगर पालिका निगम के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मंशा अनुसार जैसे हर घर तिरंगा लगाना है, उसी संदेश को लेकर के आज सारे शहरवासियों को साथ में लेकर के विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हमारे शहर के सभी गणमान्य नागरिक, हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे सांसद, विधायक, हमारे पार्षद साथी, सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। तो ये थे महापौर मुकेश अटवाल जो कह रहे हैं कि कल जो है स्वतंत्रता दिवस है और आज तिरंगा जागरूकता यात्रा निकली। हमारे साथ कुछ पार्षद है, कुछ पार्षद उनसे बात करेंगे कि वे क्या संदेश देना चाहेंगे। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जो देश में हमने 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो बहार देखी, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, उस तरीके से आज एक यूनिक बन गया देश का। और जिस तरीके से आज जो जनता में हमने उत्साह देखा भारत माता का ध्वज लेके, वाकई में एक बहुत
जागृति यही है जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास था आज वो सफलता की ओर है भारत जी। भैया जय श्री महाकाल। माननीय नरेंद्र जी मोदी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर सारे बच्चों और विद्यार्थी और नगर पालिका निगम और शासकीय प्रशासनिक घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर आज सारे लोगों ने अपने तिरंगा यात्रा निकाली है। इसके अंदर संपूर्ण शहर में उत्साह है। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम भारत माता की जय। जैसा कि आज पूरा उज्जैन तिरंगा भय राष्ट्रभक्त पूरा राष्ट्रीय लग रहा है, लगना भी चाहिए और उज्जैन के लिए गर्व है कि जहाँ महाकाल की नगरी में देशभक्ति के गीत भजन सब होना चाहिए। तो आज जो स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर जो आज हम सब इकट्ठे हुए यहाँ बच्चे छोटे से छोटे बच्चों ने भी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया, आपने देखा होगा, और हर समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं जो कि नगर निगम और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के गौरव जो हमारे आदरणीय मोहन यादव जी इनके नेतृत्व में जो आज ये सब हुआ उनको भी धन्यवाद देता हूँ और सभी संस्थाओं को और समाज की संस्थाओं को धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये शहीद पार्क है और यहाँ पर इस पूरी तिरंगा अभियान यात्रा का समापन हुआ है और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में कल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर प्रभारी मंत्री बना गया है गौतम टेटवाल को, जो कि यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे और लगातार यहाँ पर तिरंगा अभियान हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में भी तिरंगा अभियान यात्रा निकली और जिस प्रकार से यहाँ पर स्कूली बच्चे छात्र छात्राएं शामिल हुए थे उनको प्रसाद के तौर पर केले वितरित किए गए, कईयों ने यहाँ पर छिलके फेंक दिए। आप देख सकते हैं कि उज्जैन उत्तर के विधायक है अनिल जैन कालोड़ा हाथ में झाड़ू है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छिलके जो है यहाँ पर साफ करके डस्टबिन में डाल रहे हैं और जो नगर निगम के माध्यम से यह इस रैली का आह्वान किया गया था जिला प्रशासन के सारे अधिकारी मौजूद थे। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उज्जैन उत्तर के विधायक और भाजपा के तमाम नेता इस प्रकार से सफाई अभियान में लगे। हम बात करेंगे उज्जैन उत्तर के विधायक से कि क्या आज रोमांच था और किस प्रकार से आप संदेश देना चाहते हैं। आज़ादी का पर्व आज सब विद्यार्थियों ने मिल करके शहर के सभी गणमान्य नागरिकों ने मिल करके बनाया और इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना भी हमारा कर्तव्य है। हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं खुली आब हवा में। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस देश में जागृति लाने का काम किया और मैं भी आह्वान करता हूँ घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। सफाई करके भी आपने एक संदेश दिया है, ये हमारा कर्तव्य है, ये प्रत्येक शहर में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है और मैं शहर का सदस्य पहले हूँ विधायक बाद में। और क्या संदेश देना चाहेंगे आज कल स्वतंत्रता दिवस है, आज जागरूकता रैली निकली है। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये इतना ही विनती करता हूँ। आज़ादी का जश्न में हमारे शहीदों को हम नमन करेंगे हमारे घर पर एक तिरंगा लगा के उन्हें श्रद्धांजलि देंगे हर घर एक तिरंगा लगा के। तो ये थे उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहड़ा जो कह रहे हैं कि आज जागरूकता रैली जो निकली है वह स्वतंत्रता दिवस के लिए एक जागरूकता रैली है और हर घर तिरंगा लगना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आज जो है नगर की इस सड़क की शहीद पार्क पे जहां रैली का समापन हुआ है वहां पर सफाई भी की है, केले के छिलके जो बच्चों ने इधर उधर फेंके थे उसे साफ किया है, डस्टबिन में डाला है और सबसे यही आह्वान किया है कि अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखे, साथ ही साथ हर घर पर एक तिरंगा लगाया जाए। आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रकार से देश भर में चलाया जा रहा है उसी प्रकार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में भी तिरंगा अभियान के तहत रैली निकली है। कल स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए जो जागरूकता रैली निकली आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और सब में काफी उत्साह है। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया गया है पूरी रैली में। आप देख सकते हैं कि मलखम के माध्यम से अन्य खेलों के माध्यम से जो लगातार यहाँ पर बच्चे अलग अलग स्टूडेंट पर तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि क्या उत्साह है और किस प्रकार से रोमांच है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज उज्जैन में घर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं मलखम और गतका में नेशनल प्लेयर हूँ, मेरे साथ मेरे सभी स्पोर्ट्स प्लेयर यहाँ पर मौजूद हैं और स्कूल के बच्चे कॉलेज के और अन्य गतिविधियों के भी छात्र छात्राएं यहाँ पर उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अच्छा, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और आप यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। हम मलखम और गतका मार्शल आर्ट्स खेलते हैं, यहाँ पर गतका के माध्यम से हमने प्रदर्शन किया है, 26 जनवरी पर भी करते हैं और कल भी 15 अगस्त के
इस अवसर पर कल भी हम जाएंगे। तो आज जो जागरूकता रैली निकली उसमें कितने लोग थे, कितने बच्चे थे? 500 करीबन बच्चे और प्लेयर्स और स्टूडेंट्स थे। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जो बच्चे अपने घर पर हैं उनको भी आना चाहिए, ऐसे खेलों से जुड़ना चाहिए। सब जो भी बच्चे घर पर हैं या इसी तिरंगा यात्रा में नहीं आए उनके लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि घर घर तिरंगा यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली है उसी के तहत पूरे भारतवर्ष में एक उत्साह का माहौल है, तो उसी के चलते सभी को अपने घर से एक एक तिरंगा इस रैली में लेकर निकलना है और अपने हर घर पे तिरंगा लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है और बच्चे भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है उसमें हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी रोमांचित है और ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर में भी ये तिरंगा यात्रा निकली है, यह जागरूकता रैली है और कल स्वाधीनता दिवस है और दशहरा मैदान पर जो मुख्य आयोजन होगा वहाँ पर भी लाखों की तादाद में शहरवासी पहुँचेंगे। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।